पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज रेप। ये क्वेश्चन है कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर इस तरीके से किया जाता है कि आप किसी विमेन से फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो, झूठा वादा कर रहे हो कि आप इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आप उससे शादी करोगे, ठीक है, ऐसा प्रॉमिस करते हो कि आप उससे शादी करोगे, तो क्या ये रेप होगा या नहीं होगा? तो क्या ये रेप होगा या नहीं होगा, इसका जवाब हमें दिया हुआ है नई आईपीसी में, रैदर आई विल से दैट भारतीय न्याय संहिता में, बीएनएस में इसका जवाब दिया हुआ है सेक्शन 69 में। हम जानते हैं कि पिछली आईपीसी 1860 जो हम लोगों ने पढ़ी, उसमें इस तरीके के किसी भी ऑफेंस को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, लेकिन बीएनएस में इसका क्रिमिनलाइजेशन प्रपोज किया गया है। सो सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस proposes to criminalize sex on false promise of marriage. Propose करता है, क्योंकि एक बिल है इसलिए यहाँ पर propose word use हुआ है। ये propose करता है उस sex को criminalize करने के लिए, उस sexual intercourse को criminalize करने के लिए जो कि हुआ है on false promise of marriage, शादी के झूठे वादे का नतीजा है, ठीक है, उसको criminalize करने की बात करता है। कौन से section में है? Section 69 में है। हम लोग सेक्शन 69 भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। सेक्शन 69 सेज हुएवर, ध्यान रखना हुएवर लिखा है यहां पर, हुएवर बाय डिसीटफुल मींस और मेकिंग बाय प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। सबसे पहला क्या है? बाय डिसीटफुल मींस है, डिसीट का मतलब है चीटिंग करके, अगर वो चीटिंग करके ऐसा कुछ करता है, और Making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, या फिर क्या करता है, एक ऐसे promise से करता है कि मैं इसके बाद तुमसे शादी करूंगा, ऐसा कुछ ऐसा promise वो करता है, पर उसका intention कैसा है, उस promise को fulfill करने का नहीं है। And has sexual intercourse with her, और उसके साथ sexual intercourse कर लेता है। Such sexual intercourse not amounting to the offence of rape. जवाब मिल गया हमें अपना कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप तो नहीं कहलाएगा, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप तो नहीं कहलाएगा, बट इट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। लेकिन इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 10 साल तक की होगी और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। सेक्शन 69 में हमें क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसीटफुल मीन्स से या फिर एक ऐसा प्रॉमिस करता है, उसका इंटेंशन नहीं है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का, शादी करने का प्रॉमिस करता है, उसका इंटेंशन नहीं है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है किसी विमेन के साथ, तो वो रेप तो नहीं कहलाएगा, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ही कहलाएगा, बट इट विल बी पनिश्ड विद 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डिसीटफुल मीन्स का मतलब बताया कि डिसीटफुल मीन्स बोल तो दिया, डिसीटफुल मींस का क्या मतलब है, कौन से ऐसे तरीके होंगे कि जिससे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो उसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। सो एक्सप्लेनेशन दिया है, डिसीटफुल मींस शैल इंक्लूड, क्या क्या आएगा डिसीटफुल मींस में, द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी से किसी मैन ने वादा किया किसी विमेन से कि मैं तुम्हें यहां पर नौकरी दूंगा, बट फर्स्ट यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी, तो ये डिसीटफुल मीन्स में आया। उसके बाद उसने उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसे नौकरी नहीं दी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज और प्रमोशन, प्रमोशन के लिए अगर वो ऐसा करवाता है, ठीक है। तीसरी चीज इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है, आपने किसी को कोई चीज ऑफर करी, ठीक है, आपने किसी को कोई चीज ऑफर करी कोई काम करवाने के लिए, तो वो भी आ गया हमारा डिसीटफुल मीन्स में। और मैरिंग After suppressing identity, या फिर शादी करने के लिए, तो ये कुछ चार पांच चीजें हमें बताई गई हैं, false promise of employment, promotion, inducement और marrying, तो ये चार चीजें हमें बताई गई हैं, deceitful means में ये included होता है। इस तरीके से हमें क्या पता चला कि section 69 में ये बताया गया है, propose किया गया है कि इस तरीके के sexual intercourse को criminalize किया जाए। लेकिन एक question है मेरा आप लोगों से, यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ विमेन के फेवर में, मैं कहूँ कि ये सिर्फ जो सेक्शन 69 है सिर्फ विमेन के फेवर में है, कि अगर कोई भी मैन ऐसा करता है, तो कोई मैन अगर किसी विमेन से, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन की, तो उसमें लिखा है मेकिंग बाय प्रॉमिस टू मैरी अ विमेन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये सेक्शन है बड़ा ही जेंडर बायस्ड है।
मैन का क्या, मेन का क्या, ठीक है? तो ये काफी जेंडर बायस्ड है, क्या लगता है आपको इस सेक्शन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि अभी ये बिल इफेक्ट में नहीं आया, हम सबको पता है, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी तक ये इफेक्ट में आ ही जाएगा, तो हमें पढ़ना तो वैसे भी है, इस वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।